स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर टू द्वेश्चन इज वाई द होली कुरान इस सवाल में राइटर हमसे यह डिमांड करता है कि हम उसे वो वजह बताएं कि क्यों अरेबिक में होली कुरान को भेजा गया या अल्लाह ताला ने क्यों अरबी लैंग्वेज को चूज किया होली कुरान की डिस्पेंसेशन के लिए अब स्टूडेंट्स दूसरे पैराग्राफ में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि अरेबिक लैंग्वेज एक बहुत ही वास्ट और रिच इन ग्रामर लैंग्वेज है उसकी आज भी उसकी ग्रामर पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस है दूसरी बात अरबी लैंग्वेज में कुरान का उतरने के पीछे रीजन कुछ डिफरेंट रीज़न थे जिनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं सबसे पहला रीज़न कि अरब के लोगों की जुबान अरबी थी और जो लोग रिसेप्टर थे कुरान के जिनको पहली दफ़ा कुरान रिसीव करना था वो सारे अरबी थे और उनकी मादरी जुबान भी अरैबिक थी सेकेंडली अरब के इर्द गिर्द जितने भी इलाके थे जो अरब से मुलका इलाके थे उन सब में अरैबिक लैंग्वेज बोली और समझी जाती थी और थर्डली हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे कुरान पाक नाजिल किया गया वो अरबिक को समझते थे और बोलते भी थे मोस्ट इम्पोर्टेंटली होली कुरान इसलिए अरैबिक में सेंड किया क्योंकि अरैबिक एक एलोक्वेंट लैंग्वेज है और एक स्वीट लैंग्वेज है आई होप आई आंसर द क्वेश्चन थैंक यू सो मच